हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सतगुरु रेंकर्स, दिस इज माय। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण, जो आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ओके, स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज होता क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ध्यान से आपको लेक्चर्स देखनी है, ठीक है। अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सद्गुरु रैंकर्स आपको एक ना एक टॉपर्स आपको जरूर देने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है आवेश का क्वांटमीकरण। तो हमारे पास सपोज करिए कि क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास है एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई है, जहां पर जो क्यू है ये कुल आवेशों की मात्रा है। क्यू क्या है? कुल आवेशों की मात्रा, कुल आवेशों की मात्रा, तथा एन जो है एन हमारा क्या है? पूर्णांक है। एन क्या है? एन जो है हमारा, ये हमारा पूर्णांक है, जो हमारा क्या हो सकता है? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर। और हमारा ई जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम। तो इसका हम परिभाषा लिखते हैं, सिंपल सा, आप ध्यान से देखिएगा। परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा, किसी पदार्थ में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा तथा उसमें उपस्थित एक आवेशों के पूर्ण गुणज जो होता है उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण ये बताता है कि क्वांटाइजेशन जो हमारी आवेश है, क्या उसका विभाजन संभव है, क्या उसका क्वांटाइजेशन जो है उसका विभाजन संभव है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका वो लिखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा में हमारा क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा, आवेशों की कुल मात्रा तथा उसमें उपस्थित, तथा उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित एक आवेशों के, उसमें उपस्थित आवेशों के, उसमें उपस्थित आवेशों के, आवेशों के एक इलेक्ट्रॉन, आवेशों के एक इलेक्ट्रॉन, उसमें उपस्थित आवेशों के एक इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। फिर क्या आया कि आवेश का क्वांटमीकरण ये कहता है कि आवेश का क्वांटमीकरण जो है वो कहा कि इसका विभाजन संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ना तो ये 1/2 में हो सकता है, ना तो ये हमारे किस में हो सकता है, ना तो ये भिन्न के रूप में हो सकता है और ना ही ये दशमलव के रूप में हो सकता है। 4.231 इस रूप में नहीं हो सकता है और ना हमारे भिन्नात्मक रूप में हो सकता है, ठीक है। क्या कहा गया कि आवेश का क्वांटमीकरण जो है इसका विभाजन संभव नहीं है, ना तो ये हमारे भिन्नात्मक रूप में पाया जाएगा और ना ही ये हमारा किसमें रूप में, हमारा दशमलव के रूप में पाया जाएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीमान, उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया कि आवेश भिन्नात्मक रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हमने रेजर कर दे रहा हूं, नोट पॉइंट में करके आप लिखोगे, क्या करोगे? नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट में आपका लिखोगे, जिसका नाम था गैलीमान। क्या था? गैलीमान। क्या था? गैलीमान था। इन्होंने 1964 ईस्वी में इसको सिद्ध किया। किसमें सिद्ध किया? 1964 में सिद्ध किया। एक को बताया प्लस माइनस 1/3 और दूसरा प्लस माइनस 1/3 और दूसरा बताया गया प्लस माइनस 2/3 आवेश हो सकते हैं। क्या आवेश हो
हो सकते हैं, ठीक है, आवेश हो सकते हैं। किसने बताया? गैलमान ने बताया 1964 ईस्वी में, जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा किसको -1/3e को डाउन क्वार्क कहा, क्या कहा, और इसका नाम क्या दिया गया, क्वार्क दिया गया, क्या दिया गया, इसका नाम क्वार्क दिया गया, इसको -1/3e को डाउन क्वार्क कहा गया, क्या कहा गया, इसको डाउन क्वार्क कहा गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास +2/3e को अप क्वार्क कहा गया, किसको क्या कहा गया, इसको कहा गया अप क्वार्क, ठीक है, इसको कहा गया अप क्वार्क, मतलब इसको डाउन क्वार्क के नाम से जाना जाता है, इसको अप क्वार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रैंकर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल।